अरबिक कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अबू हनीफा हजरत फनाते शरीफ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिखा है एक ज़ईफ़ा थी के जो मक्के में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे ज़माने में। वो सुनती थी हुबुल की लात की तजलील करता है, वो अपने हक के फरमाने क्यों तालील करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है वो है गुलाम उसका, मुसलमा हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़ईफ़ा एक दिन काबा में जा पहुंची, हुबुल के पांव पर सर रख के उसने ये दुआ मांगी, मैं तुझको पूछती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आजकल मैं रंज सहती हूँ। वो गम ये है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक है सारे ज़माने में। मिटा दो उसकी हस्ती को न ले फिर कोई नाम उसका, जिगर छलनी हुआ जाता है सुन सुन कर कलाम उसका। दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई, समझती थी ये दिल में अब मेरी उम्मीद भर आई। ज़ईफ़ा को खुशी थी अब हुबुल बिजली गिरा देगा, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों को भी मिटा देगा। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद भर आई, दुआ करके हुबुल से अपने दिल में खूब पछताई। गरज तरकीब उसने सोच ली एक खुद ही घर आकर, के छोड़ूंगी ये बस्ती मैं रहूंगी और कहीं जाकर। गरज एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठरी ली, निकल कर घर से अपने और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ईफ़ा सोचती थी अब कोई मजदूर मिलता है, उसे ये क्या खबर थी एक खुदा का नूर मिलता है। फरीजा सुबह हुका करके अदा सरकार दो आलम, चले जाते थे काबा की तरफ वो रहमत आलम। जलूं मैं आपके शम्सो खमर मालूम होते थे, पै तस्लीम सजदे में शजर मालूम होते थे। ज़ईफ़ा मुंतजिर मजदूर की बैठी थी घबराई, यकायक सामने से चांद सी सूरत नजर आई। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा यहाँ आना, बता क्या नाम है तेरा। कहा मजदूर हूँ अम्मा, बता क्या काम है तेरा। कहा मजदूर है घर तो चल गटरी मेरी लेकर, मैं खुश कर दूंगी ऐ मजदूर मजदूरी तेरी देकर।
ये सुनकर आपने गठरी उठाकर अपने सर पर ली। ज़ईफों की मदद करना ये आदत थी पयंबर की। गरज गठरी को लेकर मंजिले मकसूद पर आई। कहा दिल से कि ऐ दिल अब तेरी उम्मीद भर आई। कहा बेटा जो थी दिल में तमन्ना हो गई पूरी। मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों से हो गई दूरी। लगी देने जो मजदूरी ज़ईफ़ा आपको उस दम। तो फरमाने लगे उस दम हुजूरे सरवरे आलम। ये कोई काम है अम्मा मैं यूं अब लूं जिसकी मजदूरी। कोई घर और खिदमत हो तो वो भी मैं करूं पूरी। ये फरमाते हुए कि आपने जाने की तैयारी। ज़ईफ़ा से इजाज़त चाहते थे रहमते बारी। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा ज़रा ठहरो चले जाना। मुझे एक बात कहनी है ज़रा सुनकर चले जाना। यकी जानो कि अब मक्का में झगड़ा होने वाला है। मैं समझाती हूँ तुझको इसलिए तू भोला भाला है। वो मक्के में कबीला हाशिमी नामों लकब वाले। वही बेटा जो है सरदार अब्दुल मुत्तलिब वाले। उन्हीं में एक जवां है जो सुना जाता है साहिर है कि इस फन में मगर बेटा वो अपने खूब माहिर है। वो सर होता है जिसके तुख में उल्फत हो के रहता है। जो सुनता है कलाम उसका वो उसका हो के रहता है। हमेशा बच के चलना उससे बोले कोई ना मुस्का। नसीहत है यही मेरी न सुनना तू कलाम उसका। नबी बुढ़िया के दिल में नूर वहदत पढ़ने वाले थे। नसीहत सुन रहे थे जो नसीहत करने वाले थे। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा भला क्या नाम है तेरा। तेरा आगाज क्या है और क्या अंजाम है तेरा। कहा हजरत ने बुढ़िया से तुझे क्या नाम बतलाऊं। मैं क्या काम बतलाऊं मैं क्या अंजाम बतलाऊं। मैं बंदा हूँ खुदा का और मुजस्सम नूर इज्जत हूँ। कहा गर्दन झुका कर आपने मैं ही मोहम्मद हूँ। मैं हूँ मासूम दुनिया में मेरा दुश्मन जमाना है। खुदा वाहिद है आलम में मुझे बस ये बताना है। ये सुनना था कि बस आँखों से आंसू हो गए जारी। नबी के इश्क की एक चोट सी दिल पर लगे कारी। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा करो मुश्किल मेरी आसा। मैं ऐसी जीत के सदक़े मैं ऐसी हार के क़ुर्बा। हुआ फिर हाल उसके जो फजले ज़मी बारी। ज़ईफ़ा की ज़बाँ से खुद ब खुद कलमा हुआ जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम Let's have a huge round of applause.